तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। आज हम चैनल में टर्किश लीग का मैच अंकारा गुसू वर्सेस गलतासराय का मैच जो है कवर करने वाले हैं। तो इस मैच का करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो बात की जाए इन दोनों टीम्स के बीच, ये मैच अंकारा गुसू जो क्लब है उनके होम ग्राउंड में आज रात 9:30 PM पे खेला जाएगा। अब ये जो दो क्लब्स हैं इनके हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं फिलहाल इस सीज़न में कैसा है। तो पहले हम अंकारा गुसू की बात करते हैं जो कि फिलहाल टर्किश लीग की 21 टीम्स में सबसे लास्ट पोजीशन में, यानी कि टर्किश लीग की इस सीज़न की द वर्स्ट टीम में अंकारा गुसू को ही कहूँगा। 21 मैचेस में सबसे लास्ट पोजीशन में सिर्फ 20 पॉइंट है पूरे सीजन में उनके। तो इससे आपको बतलता है ये टीम द वर्स्ट टीम है टर्किश लीग की। उनके डायरेक्ट अपोजिट पोजीशन में गलतासराय है जो कि टर्किश लीग की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। नंबर वन पोजीशन में फिलहाल वो है, टॉप में जॉइंट टॉप में है। उनके अलावा बेसिकतास के भी सेम पॉइंट है, लेकिन अगर आप उनका यहाँ पे गोल स्कोरिंग देखेंगे तो अच्छे 52 गोल स्कोर किए, लेकिन अगर आप उनका डिफेंस देखेंगे तो इस पूरी टर्किश लीग में उनका बेस्ट डिफेंस है, सिर्फ 19 गोल कंसीड किए हैं। तो इससे पता चलता है ये मैच द बेस्ट वर्सेस द वर्स्ट के बीच है, यानी कि एक टीम बेस्ट टीम है पूरी लीग की, दूसरी टीम वर्स्ट टीम है, यानी एक टीम फर्स्ट पोजीशन में दूसरी टीम 21st पोजीशन में। तो इससे आपको क्लियर अंदाजा हो गया कि कौन सी टीम इस मैच में फेवरेट्स है। रीसेंट फॉर्म हम देखें गलतासराय के लास्ट 3 मैचेस में 3 विक्ट्री है, 2-1, 1-0, 2-0, यानी कि रीसेंट 3 मैचेस में 3 लगातार विक्ट्रीज के साथ वो आ रहे हैं और इन 3 मैचेस में सिर्फ एक ही गोल उन्होंने कंसीड किया है। अंकारा गुसू की रीसेंट फॉर्म हम देखें तो एक गोललेस ड्रॉ है, उसके बाद 1-1 से ड्रॉ है, फिर एक बुरी तरह से 4-1 से हारे हैं। इनकी रीसेंट फॉर्म गलतासराय के कंपैरिजन में काफ़ी ख़राब है, 2 लगातार ड्रॉस के बाद 1 लॉस है। तो यहाँ पे आप पैटर्न समझ गए कि ये क्लियर गलतासराय फेवरेट वाला मैच है। तो प्रोबेबल लाइनअप देखने से पहले मैं पहले ही बता दूं, अंकारा गुसू के इस मैच में हम सिर्फ 4 प्लेयर ले जाएंगे अपनी SL टीम में, वहीं गलतासराय के हम ले जाएंगे 7 प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे एक टीम क्लियर फेवरेट्स है। तो अब हम डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप की बात करते हैं, मेन प्लेयर्स के बारे में देखते हैं। पहले अंकारा गुसू की देखते हैं, सेलिके इनके गोलकीपर होने वाले हैं और मेरे हिसाब से इनको हमें डेफिनेटली पिक करना चाहिए, क्योंकि गलतासराय डेफिनेटली बेस्ट टीम है, पोजीशन डोमिनेट करेगी और काफ़ी ऑन टारगेट लेगी। ऐसे में ये गोलकीपर अच्छे सेविंग पॉइंट्स हमें इस मैच में दे सकता है। 4 डिफेंडर्स इनके हैं, किट्सियो, पार्डान, सरलीजा और टूरान। इन चारों में अभी तक पूरे सीजन किसी ने कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस किया नहीं है, इसलिए मैं चारों को ही रिकमेंड यहाँ पे SL में नहीं करने वाला हूँ। फिर भी अगर आप किसी एक के साथ जाना चाहते हैं तो शायद मैं किट्सियो को मेरी पहली प्रेफरेंस दूँ, उसके बाद टूरन को, क्योंकि इन दोनों के टैकलिंग वगैरह के स्टैट डिसेंट है। लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी जो डिफेंडर है ऐसा 100% रिकमेंड नहीं करूँगा। लुकासिक और वोका इनके दो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, जिसमें वोका प्रॉपर होल्डिंग मिडफील्डर है, टैकल वगैरह के थोड़े बहुत पॉइंट देंगे, उतना कुछ ज़्यादा खास इन्होंने नहीं किया। लुकासिक के 2 गोल जरूर है, लेकिन फिर भी ये कंसिस्टेंट नहीं है और पैचेस में परफॉर्म करते हैं, एक डिसेंट चॉइस ये हो सकते हैं। अब इनके अटैकिंग मिडफील्ड में सकीसी खेलेंगे। अब ये जो सकीसी नाम का प्लेयर है ये भी लुकासिक जैसा ही है, 1-2 गोल इन्होंने भी स्कोर किए, लेकिन ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन लुकासिक और सकीसी में से किसी एक के साथ आप जरूर जा सकते हैं, क्योंकि इनके टैकलिंग स्टैट में देख रहा था वो भी डिसेंट है, इंटरसेप्शन स्टैंड भी डिसेंट है और थोड़े बहुत पासेज वगैरह भी, चांसेस क्रिएट भी किए हैं। तो अब इनके राइट विंग में एक प्लेयर खेलता है, उसका नाम है लोबजानिडजे। अब ये दोस्तों इनके 2 गोल है और इवन 6-7 असिस्ट है, मैं यहाँ पे स्टैट देख रहा था, क्योंकि मैंने जो अंकारा गुसू की टीम है इनके उतने मैचेस अभी तक नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे इस प्लेयर के साथ आप डेफिनेटली जाइए, क्योंकि ये प्लेयर 6 या 7 असिस्ट कर चुका है, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है, इसलिए मैंने येलो से भी हाईलाइट किया। तो SL में हमारे लिए एक मस्ट पिक हो जाते हैं, इनका नाम है लोबजानिडजे। अब जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट विंग पोजीशन में हरमैनी गोल्डो नाम का जो प्लेयर खेलेगा, अब इनका नाम है भूल लो एक मिनट, हाँ इनका नाम गेराल्डो है, गेराल्डो। अब ये जो प्लेयर है दोस्तों, ये पैचेस में परफॉर्म करता है, गोल असिस्ट जरूर कर सकता है, लेकिन इस सीजन ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए इनको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जो बॉर्वेन है, इनके जॉइंट टॉप स्कोरर है इस सीजन, 6 या 7 गोल ये कर चुके हैं, तो ये भी मस्ट पिक रहने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बॉर्वेन या सकीसी इनमें से ही कोई एक पेनाल्टी भी लेगा, इसलिए ये 2 प्लेयर जो मैंने येलो से हाईलाइट किए मस्ट पिक रहेंगे। बाकी जो मैंने बताया, एक गोलकीपर इंपॉर्टेंट है और सकीसी या लुकासिक में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। बाकी और जो मैंने प्लेयर्स के बारे में बताया वो उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप चाहे तो अपनी टीम में कंसीडर जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कुछ अंकारा गुसू की प्रोबेबल 11 थी, और आप श्योरली जानते होंगे कि 21st पोजीशन में जो टीम है सबसे लास्ट में, उनके कुछ ही प्लेयर्स ने अच्छा किया होगा पूरे सीजन, ज़्यादातर प्लेयर्स फ्लॉप रहे होंगे, इसलिए इतनी इन्फो थी इनके बारे में। अब हम अपोनेंट गलतासराय की बात करते हैं, जिनके बारे में मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है, उनके काफ़ी मैचेस देखे हैं। उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो काफ़ी कुछ आप मिस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में @FantasySportsSpy सर्च मारेंगे। 2.4K से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिलेगा, यहाँ से आपको जुड़ जाना है।
लाइन अप आने के बाद इस मैच की फाइनल एसएल टीम में यहीं पोस्ट करूंगा, साथ ही हर आईएसएल मैच की 8 GL और 1 SL टीम में यहीं पोस्ट करता हूँ। अभी आईएसएल के सेमीफाइनल्स आ रहे हैं तो जरूर आ जाइए, सभी सेमीफाइनल्स की 8 GL और 1 SL टीम में यहीं पोस्ट करूंगा। आगे को और फुटबॉल मैचेस की भी GL SL यहीं पोस्ट करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जुड़ जाइए, काफ़ी अच्छी हमारी GL SL जाती है। बात करते हैं गैलत आसरे की, मुसलेरा इनके काफ़ी एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं, शायद इस मैच में उतने इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी अगर आप एक 1-0 वाली टीम ले जा रहे हैं तो उसमें आप जिसमें आप एक नैरो विक्ट्री के साथ गलत आसरे के जा रहे हैं GL में, उसमें आप मुसलेरा के साथ जा सकते हैं, लेकिन सेफ एसएल में मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग अपोनेंट का गोलकीपर दे सकता है। 4 डिफेंडर इनके हैं, येदलिन और बैरम, इनके 2 फुल बैक्स हैं, लुइंडामा और एम टसियरा इनके 2 सेंटर बैक हैं। अब इन चारों के साथ आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, गलत आसरा के 4 डिफेंडर और 3 अटैकर्स ले जा सकते हैं या 3 डिफेंडर और 4 अटैकर्स ले जा सकते हैं। तो येडलिन फॉर्मर न्यूकासल यूनाइटेड प्लेयर है, अभी जनवरी में ही आए हैं, काफ़ी पेसी है, टैकल्स वगैरह के पॉइंट देंगे, अटैक अच्छा करते हैं, तो येडलिन इंपॉर्टेंट है, लुइंडामा और टशेरा इंपॉर्टेंट है और बायराम भी इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों में मेरी पहली पिक येडलिन रहेंगे, फिर टशेरा रहेंगे, थर्ड लुइंडामा रहेंगे, फोर्थ मेरी बायराम रहेंगे। अब मेरे हिसाब से अगर आप चारों ले जाते हैं तो सही है, 3 ले जाते हैं तो आप येडलिन लुइंडामा और एम टशेरा के साथ जा सकते हैं। इटीबो एक होल्डिंग मिडफील्डर है, उतने ज़्यादा इस मैच में शायद इंपॉर्टेंट ना रहे। अब इनके जो 2 वाइट प्लेयर्स खेलेंगे उसमें अर्धा तुरन और ओनिये कुरू खेलेंगे। अब ओनिये कुरू ये फॉर्मर AS मोनाको प्लेयर है, अभी इस सीजन आए हैं यहाँ पे और अभी 4-5 मैचेस में 2-3 गोल स्कोर कर चुके हैं, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ड्रीम इलेवन में सिलेक्शन लो का जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इनको मेरे हिसाब से मस्ट पिक वाले प्लेयर हैं, आप इनको डेफिनेटली अपनी SL टीम में पिक कीजिए। अर्धा तुरन आप में से बहुत लोग जानते होंगे, फॉर्मर बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर है और एक टाइम में लालीगा के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे लियोनल मेसी के साथ, हालांकि अब एज थोड़ी हो गई है और अब यहाँ गैलातासराय में आ गए, उतना अच्छा परफॉर्म अभी तक करा नहीं है, फिर भी 3-4 गोल स्कोर के बड़ा प्लेयर है, गोल असिस्ट कर सकता है, 100% रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप चाहे तो अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। जेडसन फर्नांडिस और क्लिनिक इनके 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स होंगे। जेडसन फर्नांडिस अभी जनवरी तक टॉटनम में खेलते थे, जो प्रीमियर लीग का क्लब है, वहाँ लोन में थे, हालांकि वहाँ रेयरली इन्हें मौके मिलते थे, लेकिन अब उनका लोन कट करके यहाँ गलत आसरा आ गया, यहाँ इनको मौके मिल ले, अभी तक गोल असिस्ट किया नहीं है, लेकिन ये यंगस्टर है, केपेबल जरूर है गोल असिस्ट करने के, आप चाहे तो पिक कर सकते हैं, लेकिन एक सेफ प्लेयर ये बिल्कुल नहीं रहने वाला, GL पिक जरूर होंगे। क्लिनिक इनके इस टीम के मेरे हिसाब से सेकेंड बेस्ट प्लेयर है, गोल असिस्ट दोनों करने में केपेबल है, काफ़ी चांसेस भी क्रिएट करेंगे, पेनल्टीज़ भी मोस्ट प्रोबेबली ले सकते हैं, क्योंकि इनकी एक पेनल्टी क्लिनिक ने ली, एक मोहम्मद ने ली, अलग अलग प्लेयर्स ने बांटी है, इसके साथ ही सारे कॉर्नर्स फ्री किक लेंगे, तो बहुत अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है रहने वाले हैं। अब इनका जो मेन प्लेयर है अभी तक वो है एम मोहम्मद नाम है इनका, नए प्लेयर इनके 4 या 5 मैचेस में 4 या 5 गोल स्कोर कर चुके हैं और बहुत इनफॉर्म प्लेयर हैं, तो बहुत अच्छी कैप्टनसी की चॉइस इस मैच में रहेंगे, और इनकी लास्ट वाली पेनल्टी इन्होंने ही ली थी, उससे पहले क्लिनिक ने ली थी, तो इन दोनों का पेयर या इन 3 जो मैंने येल्लो से हाईलाइट किया, इन 3 का पेयर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस इस मैच में रह सकता है। तो दोस्तों एक गलत आसरे की प्रोबेबल 11 थी, ये 3 प्लेयर मैंने येल्लो से हाईलाइट किए, मस्ट भी आपकी टीम में होनी चाहिए, बाकी मैंने स्टार्टिंग में पैटर्न बताया, या आप 3 डिफेंडर 4 अटैकर्स ले जा सकते हैं या आप 4 डिफेंडर्स 3 अटैकर के साथ जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रिडिक्शन में, प्रिडिक्ट करना बहुत इजी है, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट के बीच मुकाबला है, तो मेरी प्रिडिक्शन क्लियर 2-0 गलत आसरा है। अब इस मैच की फाइनल एसएल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम में @fantasysportsify सर्च मारेंगे, 2.4K के आसपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिलेगा, यहाँ से आपको जुड़ जाना है इस मैच की फाइनल एसएल टीम के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो दोनों टीम्स के बारे में डिटेल इन्फो, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जय हिंद।